हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका एक बार फिर से मॉडर्न विलेज लाइफ में। तो आज हम चिकन बिरयानी बनाएंगे। ये मेरी फर्स्ट रेसिपी होगी बिरयानी की मेरे चैनल में। तो इसे हम तैयार करेंगे कढ़ाई में। बिल्कुल ही आसान है बनाना और स्वाद तो बिल्कुल लाजवाब होगा। बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा, काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी रहेंगे। तो चलिए तैयार करते हैं बिरयानी मसाला। हमने 1/2 टेबल स्पून सौंफ लिया है, लाल मिर्च, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल, जावित्री, चक्री फूल लिया है आधा, 1 टेबल स्पून धनिया, 2 टेबल स्पून जीरा, गोल मिर्च भर करके डालेंगे और 1/4 टीस्पून शाहजीरा भी डालेंगे। इन सबको हल्का रोस्ट करना है। जायफल जावित्री बिल्कुल एक मटर के दाना के बराबर ही लेना है। इतना ही रोस्ट करना है कि हल्का सा धुआं निकलने लगे तो प्लेट में हम ट्रांसफर कर लेंगे। ठंडा हो जाने पर पीस लेंगे, बिल्कुल पाउडर बन जाएगा इस तरीके से। दूसरे तरफ हमने 600 ग्राम चिकन लिए हैं। चिकन के पीसेस बड़े हों तो आप इस तरह से कट्स लगा लें। दूसरे तरफ से भी हम कट्स लगाएंगे और अच्छे तरह से धो करके तैयार कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून दही। दही खट्टा कम होना चाहिए। 2 1/2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला जिसे हमने अभी तैयार किया है, धनिया, पुदीना और मिर्च कटा हुआ, साथ में 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 3 आलुओं को काट करके भी डाला है, अच्छे से मिक्स किया है। आधे घंटे के लिए हम रख देंगे इसे। दूसरी तरफ हमने बिरयानी राइस लिया है बेहतरीन क्वालिटी का। इसे धो लेंगे और आधे घंटे तक भिगो कर रखेंगे। पानी बॉईल हो चुका है चावलों को उबालने के लिए, तो डाल देते हैं चावल को और कुछ खड़ा गरम मसाला, नमक और थोड़ा सा घी डालते हैं, उबलने के लिए छोड़ देते हैं। एक छोटा फ्राई पैन लिया है, इसमें डालेंगे भर करके 2 टेबल स्पून घी और एक बड़े प्याज को फाइन चॉप करके इसी घी में फ्राई करना है। हाई फ्लेम में इसे फ्राई करेंगे चलाते हुए ताकि गोल्डन ब्राउन एक जैसा हो जाए। बिरयानी में हम इसे यूज़ करेंगे। दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई ली है, फाइनली इसी में हम बिरयानी तैयार करेंगे। 5 टेबल स्पून हमने सरसों का तेल लिया है और एक बड़े प्याज को रफली चॉप करके डाला है। 1 मिनट भुनेंगे और अब मैरिनेटेड चिकन और आलू को डाल देते हैं। इसे बिल्कुल भी चलाना नहीं है, सिर्फ इस तरह से दबा करके हम सेट कर देंगे। इस तरह से और मीडियम टू हाई फ्लेम में इसे 7 से 8 मिनट पकाएंगे। इसका ढक्कन भी हम कवर नहीं करेंगे। तो जब 8 मिनट हो जाए तो अब चिकन को टर्न कर लेते हैं, साथ में आलुओं को भी हम टर्न कर लेंगे दूसरी तरफ से। तो चिकन थोड़ा लाल हो चुका है। जब सभी चिकन और आलू टर्न हो जाएं, तो जो मैरिनेटेड मसाला बचा हुआ है इसमें थोड़ा पानी डाल करके चिकन के ऊपर डाल देते हैं। इस तरह से। और दूसरा ट्रिक ये लगाना है, जब हमने चिकन को पलटी किया है यानी पलट लिया है, तो उस समय तक आपका चावल 50% तक पक जाना चाहिए, ताकि हम डायरेक्ट चावल को हांडी से निकालकर इस तरह से डालेंगे तो चिकन अंदर से बिल्कुल उबल रहा है यानी पक रहा है, और गर्मा गर्म चावल डालेंगे 50% पका हुआ, तो इससे बिल्कुल खिला खिला बिरयानी बनेगा। चावल डायरेक्ट हांडी से निकाल कर हम डाल रहे हैं तो थोड़ा पानी भी आ जाता है साथ में, तो इसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिरयानी मसाला डाला है थोड़ा, अब पुदीना, धनिया, मिर्च कटा हुआ, थोड़ा टमाटर कटा हुआ, टमाटर ऑप्शनल है, और अब डाल देते हैं शाहजीरा 1/2 टीस्पून है, साथ में डालेंगे ब्राउन ऑनियन, थोड़ा घी। तो ये एक लेयर पूरा तैयार हो गया है।
फिर से हमने दूसरे लेयर के लिए चावल को डाला है और सारे ब्राउन ऑनियन और घी को डाल करके चारों तरफ अच्छे से फैला देते हैं और डालते हैं थोड़ा बिरयानी मसाला और अब थोड़ा फूड कलर डालेंगे। ये भी ऑप्शनल है लेकिन डालने से थोड़ा अच्छा दिखता है। इसके बाद कवर कर देंगे। कवर करके हम मीडियम फ्लेम में 7 से 8 मिनट पकाएंगे और फिर लो फ्लेम में 7 से 8 मिनट पकाएंगे। उसके बाद फ्लेम को बंद कर देंगे, 10 मिनट तक इसे ढका रहने देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं हमने फ्लेम को बंद किए हुए। अब चेक करते हैं तो चावल बिल्कुल खिला खिला है। तो चलिए आपको निकाल करके दिखाते हैं। इसे बनाना जितना आसान है स्वाद उतना ही मजेदार है, आप जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए सर्व करते हैं। चिकन बिल्कुल रोस्ट हो चुका है यानी ब्राउन हो चुका है। चावल कहीं उजले हैं या कहीं पीले हैं तो बिरयानी का राइस इस तरह से दिखने से बहुत ही खूबसूरत लगता है। आलू भी ब्राउन हो चुका है। तो आपको नजदीक से दिखाते हैं किस तरह से चिकन ब्राउन हो चुका है पक करके। और पूरी तरह से अंदर से ये पक चुका है और इसे हमने सर्व किया है दही सलाद और चटनी के साथ। ट्राई कीजिए, रेसिपी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। इंजॉय कीजिए।